तो रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट किया था कि मैं अपने आईफोन 12 को सेल करने वाला हूं, और यहां पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि क्या हो गया, फोन खराब हो गया क्या, क्या आपको आईफोन 12 में क्या चीज पसंद नहीं आया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इस फोन को बेच रहे हो। तो काफी सारे लोगों का कॉमेंट आया, और ऑब्वियसली मैं इस फोन को सेल करने वाला हूँ क्योंकि इस फोन को मैं लगभग 3 महीने से यूज कर रहा हूँ एज ए माई प्राइमरी डिवाइस। तो कुछ मेरा पर्सनल रीजन है जिसके कारण मैं इस फोन को सेल कर रहा हूं, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं क्या इस फोन में आपको खराबी मिल जाता है जिसके कारण मैं भी मेरे जैसे लोग इस फोन को यूज नहीं करना चाहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये मेरा एकदम कंप्लीटली पर्सनल ओपिनियन है, और मैं इस बात पे भी एग्री करता हूं कि आईफोन 12 वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है इस बजट सेगमेंट में। 50,000 के रेंज में आपको आईफोन 12 जैसा फोन नहीं मिलेगा मार्केट में, और इस फोन में लाखों अच्छाइयां है, लेकिन मेरे केस में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहा है कि मुझे इस फोन को अब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और अल्टीमेटली मैं इस फोन को बेचने वाला हूं। आज इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिस पॉइंट के कारण इस फोन को मैं सेल करने वाला हूं और अल्टीमेटली मैं कोई दूसरे फोन में स्विच करने वाला हूं। मैं यहां पे पहले ही आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये जो एक्सपीरियंस है ये कंप्लीटली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि अब जब यूज करो आईफोन 12 या तो आईफोन में किसी भी फोन, तब आपको ऐसे एक्सपीरियंस ना भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन 5 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा वो है इसका कॉस्ट, जिसके कारण मुझे इस फोन को यूज करते हुए इनसिक्योरिटी फील होता है। पहला रीजन है इसका जो डिस्प्ले कॉस्ट है, यह है 27,500 रुपए इसका डिस्प्ले कॉस्ट है, और कुल मिला के आप ये समझ लो कि अगर आपके हाथों से इसका डिस्प्ले गिर जाता है या तो फोन आपके हाथों से गिर जाता है तो आपको 27,500 रुपया देना पड़ेगा, तब जाके अल्टीमेटली इस फोन का आपका डिस्प्ले चेंज होगा। और उस केस में आप सोच सकते हो 27,000 रुपए में आज के डेट में आपको बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएगा, और केवल डिस्प्ले का प्राइस इतना ज्यादा है। सेकेंड मेरा पॉइंट है कि फ्रीडम ऑफ एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड आपको जितना फ्रीडम देता है iOS आपको उतना फ्रीडम नहीं देता है। ये बात भी सच है कि iOS में आपका सिक्योरिटी जो होता है वो ज्यादा हाई होता है, इसलिए फ्रीडम कम मिलता है, लेकिन एंड्रॉयड में जो आपको कस्टमाइजेशन का मौका मिलता है, भर भर के आप वॉलपेपर लगा सकते हो, रिंगटोन लगा सकते हो, आप थीम्स इंस्टॉल कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हो, कस्टम रोम लगा सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको एंड्रॉयड में फ्रीडम मिलता है वो आपको iOS में वैसा फ्रीडम नहीं मिलता है। तो ये भी एक रीजन है कि मुझे इस वाले iPhone 12 या तो आप कह सकते हो आईफोन में ही थोड़ा दिक्कत लगता है, और मैं एज ए पर्सनल मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एंड्रॉयड फोन यूज करना। थर्ड पॉइंट मेरा है इसमें आपको मिल जाता है लाइटनिंग पोर्ट, साथ ही साथ इसमें आपको 3.5 mm जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है जिसके कारण मैं पर्सनली इस फोन को चेंज करने का सोच रहा हूं। क्योंकि अगर यहाँ पे USB C टाइप पोर्ट होता तो USB C टाइप पोर्ट जो होता है वो यूनिवर्सल पोर्ट होता है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी जगह पे आप गए हो घूमने के लिए, किसी दुकान में गए हो, किसी फ्रेंड के घर गए हो, रिलेटिव के घर गए हो, USB C पोर्ट जो होता है वो आपको नॉर्मली मिल जाता है, लेकिन लाइटनिंग पोर्ट जो होता है वो आपको किसी भी जगह पे नहीं मिलता है, बहुत रेयर केसेस में आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा। तो दैट्स मीन अगर आपके पास फोन है और आप कहीं जा रहे हो तो आपको लाइटनिंग पोर्ट और चार्जर ये दोनों साथ में लेके ही घूमना पड़ेगा, कि मे भी हो सकता है कि अगर आपका सामने बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो उस केस में आपको चार्जर अवेलेबल नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको चार्जर कैरी करना पड़ता है। तो इसका लाइटनिंग पोर्ट रहना, 3.5 mm जैक ना होना एक डिसएडवांटेज है मेरे लिए, इसलिए भी मैं सोच रहा हूं कि इस फोन को मुझे परमानेंटली स्विच कर देना है, क्योंकि मेरा पर्सनल डिवाइस के हिसाब से मैं इसको अब यूज नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट मेरा है इस फोन में आपको मिल जाता है नोच, और ये नोच जो है वो काफी बड़ा नोच है, और यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे फ्रेंड्स या तो बहुत सारे एप्पल फैनबॉय ये भी कहता है कि यूज करते करते आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके फोन में नोच है। आप एक बार मुझे देख के बताओ कि अगर आप इसको 1 साल भी यूज करोगे तो 1 साल के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि इस फोन में नोच है, तो वो बात ही अलग है। नोच है वो आपको पता भी चलता है डे टू डे टास्क में, जैसे अगर आप वीडियो देखते हो, कोई ब्राउजिंग करते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें नोच है, और ये नोच कभी कभार आपको बहुत ओकड़ लगता है, क्योंकि 2022 में आप नोच लेस का जमाना है,
कैमरा भी अब आज के डेट में अंडर डिस्प्ले कैमरा आने लग गया है, तो उस केस में कंप्लीट एक डिस्प्ले रहना भी फोन का एक एडवांटेज है। उसमें जो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो बेहतर होता है। तो इस फोन का जो नॉच है वो भी एक मेरा रीजन है जिसके कारण मैं इस फोन को चेंज करने वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट पांच नंबर मेरा जो कारण है इस फोन को सेल करने का वो है कि मेरा इस फोन में लगभग 55,000 रुपया फंसा हुआ है, और अगर मैं इस फोन को नहीं सेल करूंगा तो मैं दूसरे फोन का अनबॉक्सिंग कैसे करूंगा। बीइंग ए यूट्यूबर मुझे काफी सारे फोन खरीदना होता है, काफी सारे फोन का आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाना होता है, रिव्यू दिखाना होता है, कैमरा टेस्ट दिखाना होता है। तो उस केस में अगर ये 55,000 मेरा फंसा हुआ रहेगा तो मैं 5 फोन और खरीद सकता हूँ बजट सेगमेंट में, जब जो कि लगभग आपका 10,000 रुपये में आता है। तो 5 फोन का मैं लगभग आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखा सकता हूँ, रिव्यू दिखा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा एक टॉप मोस्ट रीजन है जिसके कारण मैं इस फोन को सेल करने वाला हूँ, क्योंकि इस फोन से जो मेरा पैसा आएगा उस फोन को मैं अल्टीमेटली यूट्यूब में ही इन्वेस्ट करूंगा, डिफरेंट और कुछ फोन खरीद के उसका आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह दिखाऊंगा। तो ये था 5 कारण जिसके कारण अब मुझे लगता है कि आईफोन 12 को मुझे सेल कर देना है। और अगर आपको ये वाला फोन, मेरा स्पेशली मेरा वाला फोन अगर आपको लेना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, बहुत ही आपको अच्छे प्राइस पे ये मैं दे दूंगा, उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। बाकी आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, अगर आप आईफोन एक यूजर हो या तो अगर स्पेशली अगर आप आईफोन 12 यूजर हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, वो कमेंट में आप लोग बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।